What's up guys, I'm Rohit Khurana and welcome to Cookbook by Rohit. पनीर भुना मसाला बना रहा हूँ आज. एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है. बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स को यूज करके एकदम डिलीशियस पनीर भुना मसाला बनता है. प्याज टमाटर के मसाले को एकदम अच्छे से भुनेंगे. यही एक मेहनत वाला काम है. इसमें एकदम अच्छे से मसाले को भुनेंगे, उसके बाद इसमें पनीर ऐड करेंगे. बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में, और अगर इसके साथ बटर नान या लच्छा पराठा मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है खाने में. पनीर भुना मसाला बनता कैसे है वो देख लेते हैं. सबसे पहले एक लगन में 2 टेबलस्पून देसी घी, 1 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे. घी एक बार गर्म हो जाए उसके बाद इसमें 1 टीस्पून जीरा और 3 से 4 छोटी इलायची ऐड करेंगे और जीरे को तड़कने देंगे. जीरा एक बार तड़क जाए फिर ऐड करेंगे 4 मीडियम साइज प्याज चॉप करके. प्याज को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे. इस प्रोसेस में लगभग 10 से 15 मिनट लग जाएंगे. ये देखिए दोस्तों, प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं. इस स्टेज पर 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और स्टर करते हुए 2 मिनट के लिए भून लेंगे. लगभग 2 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए. इस स्टेज पर इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून तीखी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून होममेड गरम मसाला, चुटकी भर काली मिर्च पाउडर और हल्का सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जले ना. अब मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए एकदम बढ़िया से भून लेंगे. बेसिकली तब तक भुनेंगे जब तक कि ऑयल ना छोड़ दे. मसालों ने ऑयल अच्छे से छोड़ दिया है. इस स्टेज पर गैस का फ्लो कर देंगे हम एकदम लो और ऐड करेंगे 1/2 कप फ्रेश दही. लो फ्लेम पर दही को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि दही फटे ना. दही एक बार मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हाई फ्लेम पर दही को 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे. पांच से छह मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो घी छूट गया है और दही भी अच्छे से पक गई है. इस स्टेज पर गैस को लो फ्लेम पर करेंगे और साइड में फटाफट से एक पेस्ट बना लेंगे. एक ग्राइंडिंग जार में 2 टमाटर, 8 से 10 सोक्ड काजू और 3 से 4 सोक्ड कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे. इनको अच्छे से ग्राइंड करके एकदम फाइन प्यूरी बना लेंगे. ये देखिए दोस्तों, इस तरह से प्यूरी बना लेंगे और इसको ऐड कर देंगे. साथ ही में 1 टेबलस्पून धनिया की डंठल, 1 से 2 हरी मिर्च चॉप करके और टेस्ट के हिसाब से नमक भी ऐड करेंगे. इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे. उसके बाद लगभग 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे. दोस्तों, अगर आपका मसाला ड्राई हो या नीचे लगने लगे तो बीच बीच में हल्का सा गर्म पानी ऐड कर लेंगे. लगभग 15 मिनट हो चुके हैं भुनते हुए और आप देख सकते हो कितने अच्छे से भुनाई हुई है. मसाले का कलर भी डार्क हो गया है. इस स्टेज पर थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे. दोस्तों, पानी बहुत ज्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये लटपटी ग्रेवी में बनता है.
अब 5 मिनट के लिए और पकने देंगे। पांच मिनट हो चुके हैं भूनते हुए और आप देख सकते हो मसाले ने अच्छे से घी छोड़ दिया है, मतलब कि हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है। अब एक पैन लेंगे, पैन में 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। घी एक बार अच्छे से गर्म हो जाए फिर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1 प्याज डाइस करके और 1 कैप्सिकम डाइस करके। इनको हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए टॉस करते हुए पका लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा रंग पकड़ने लगे उसी टाइम इनको ग्रेवी में ट्रांसफर कर देंगे। साथ ही में 500 ग्राम पनीर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून होममेड गरम मसाला और 1 टीस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे। इन सभी को एकदम अच्छे से स्टर कर लेंगे और 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर ढक के पकने देंगे। लास्ट में इसमें 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे और थोड़ा सा फ्रेश धनिया भी डालेंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमारा पनीर भुना मसाला तैयार है। चलिए सर्व कर लेते हैं। बहुत ही डिलीशियस बना है और अगर इसके साथ आपको लच्छा पराठा या बटर नान मिल जाए तो मजा ही आ जाता है इसे खाने में। देखा आपने, एकदम बेसिक इंग्रेडिएंट्स को यूज करके अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट को फील करने वाला पनीर भुना मसाला बनाना कितना आसान है। आई होप मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक बार मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके पनीर भुना मसाला बनाएं और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको एंड आपके घर में सबको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।